कौन सा पेज नंबर में करेंगे? 49। चलिए बढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या होते हैं? स्टेटमेंट होते हैं व्हेन वी वांट टू टेल समवन समथिंग। व्हेन वी वांट टू टेल समवन समथिंग वी यूज अ सेंटेंस स्टेटमेंट। वी यूज अ स्टेटमेंट। जब हम किसी से कुछ कहते हैं तो क्या होता है? स्टेटमेंट। ओके, इसका एग्जांपल है तेनाली रामन वाज अ वाइज मैन। तेनाली रामन एक बुद्धिमान राजा था। तो इसमें एक बात ही कही गई है, तो वो क्या है? ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन वी वांट टू आस्क समवन समथिंग वी यूज अ क्वेश्चन। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो वो एक क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो हम वहां पे क्या क्वेश्चन का यूज करते हैं? इसका एग्जांपल है, कुछ भी एग्जांपल हो सकता है। जैसे कि सर आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। इंग्लिश क्लास डू यू रीड, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। आपकी ड्रेस का कलर क्या है, ये भी एक क्वेश्चन हो गया, है ना। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो वो क्वेश्चन हो जाता है। और जब किसी से कोई बात करते हैं, कोई बात नॉर्मल बोली जाती है तो वो स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो पेज नंबर 49 में लेस्ट आई 4 एक्सरसाइज करते हैं। इसमें हम लोग को स्टेटमेंट और क्वेश्चन फाइंड करना है। फर्स्ट है आपका टीना इज सिटिंग ऑन अ स्विंग। तो क्या है ये तो एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है इज राहुल गोइंग टू द पार्क। इज राहुल गोइंग टू द पार्क, क्या राहुल पार्क जा रहा है? तो इसमें पूछा गया है क्या राहुल जा रहा है पार्क, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट माई मदर इज कुकिंग डिनर। माई मदर, मेरी माँ डिनर कुक कर रही है। तो ये क्या हो गया? ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, क्वेश्चन तो है नहीं। मेरी मदर कुक कर रही है तो कुक कर रही है, है ना। इज माई ब्रदर इज योर हाउस। इज माई ब्रदर इन योर हाउस, क्या मेरा ब्रदर आपके घर में है? तो क्या हो गया? ये तो एक क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी। तो ये भी आपका स्टेटमेंट हो गया। इस तरह से हम सारे फाइंड करेंगे और हम लेस्ट लाइफ फोर एक्सरसाइज अपनी कोर्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके बाय स्टूडेंट।